तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अतलान खान और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल। तो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है क्या हो अगर इंडिया और पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉर हो जाए। तो देखते हैं भाई कैसा मंजर होगा। कि ऐसा हो ही ना पहली बार, लेकिन ये वीडियो के जरिए कैसा है कि कैसा हो सकता है, तो चल के देखते हैं ये वीडियो। लेकिन आप लोग उससे पहले नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चल के देखते हैं ये वीडियो, फिर करेंगे उस पर बातें। तो लेट्स प्ले। अगस्त 2020 में कश्मीर को लेकर बढ़ते तनाव के कारण पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर शेख रशीद अहमद ने खुलेआम भारत को एक परमाणु जंग के लिए दुनिया के सामने ललकारा। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? अब हम सब ये जानते हैं कि भारत नो स्ट्राइक फर्स्ट पॉलिसी का पालन करता है, यानी जब तक कोई भारत के ऊपर पहले आक्रमण नहीं करता, भारत कभी भी प्रोएक्टिवली किसी देश पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर किसी दिन भारत पाकिस्तान के बीच असल में एक परमाणु जंग छिड़ गई तो क्या आपको ये पता है कि पूरी की पूरी दुनिया बर्फ से ढक जाएगी, फिर से एक बार आइस एज शुरू हो जाएगा। एंड आई एम नॉट किडिंग, आई विल प्रूव इट टू यू। अब दो कंट्री को यार, एक परमाणु बम के फटने से तो आग निकलेगी, फिर इसका आइस एज से क्या संबंध? सो ये राज मैं वीडियो में आगे खोलने वाला हूँ। लेकिन जरा आप ये सोचो, अगर इस जंग के दौरान एक भी 300 किलो टन का परमाणु बम फट गया तो उसके कितने अंजाम हो सकते हैं? सिर्फ उस एक बॉम्ब की तबाही पूरे 126 स्क्वायर किलोमीटर तक फैलेगी, यानी कि ऑलमोस्ट एक पूरा डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे ही खत्म है। और जहां पर बॉम्ब फटेगा वहीं पर 70% लोगों के चिथड़े उड़ जाएंगे। इसके बाद हर जगह पे दिखेगा सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा और नफरत और विनाश ने की हुई बर्बादी, जिस नफरत की कीमत सिर्फ इन दोनों मुल्कों को ही नहीं बल्कि दुनिया के पूरे 90% आबादी को चुकानी पड़ेगी। भुखमरी से तड़प तड़प कर मरेंगे। लेकिन सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच की इस जंग की कीमत पूरे दुनिया को क्यों चुकानी पड़ेगी? और अगर बाय चांस जंग होती भी है तो इस सारे विनाश के बाद आखिर जीत किसकी, इंडिया या पाकिस्तान? वेल, हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। चलिए देखते हैं कि किस तरह इंडिया पाकिस्तान के बीच की एक परमाणु जंग का नतीजा कितना भयानक हो सकता है आज के हमारे इस वीडियो में, टाइटल्ड व्हाट विल हैपन इफ इंडिया एंड पाकिस्तान स्टार्ट अ न्यूक्लियर वॉर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सवाल तो ये आता है कि पाकिस्तान के रशीद मियां ने भारत को जो धमकी दी, जो अकल के अंदर ये समझ रहे हैं कि 4-6 दिन तक टैंक तोपें चलेंगी या हवाई जहाज एयर अटैक होंगे या नेवी के गोले चलेंगे, नो वे, दिस विल बी एटॉमिक वॉर। पर क्या पाकिस्तान के पास इतने परमाणु हथियार है कि वो जंग में इंडिया को हरा सकता है? वेल, आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर पूरे 160 परमाणु हथियार है, जिसके मुकाबले में भारत के पास सिर्फ 150 हथियार, 15 ज्यादा है। लेकिन दोनों भी देश नए नए परमाणु हथियार बनाने में लगे हुए हैं और सूत्रों के अनुसार 2025 तक दोनों भी देशों के पास 400-500 परमाणु हथियार होंगे। अब 400-500 तो छोड़ो, अगर इनमें से एक भी परमाणु बम फट गया ना तो एक झटके में ही लाशों का ढेर लग जाएगा। और सिर्फ लाशें ही नहीं बल्कि बॉम्ब से निकलने वाला आग का गोला 2 किलोमीटर तक इतनी तेजी से फैलेगा कि वो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान, जानवर, गाड़ियां, यहाँ तक कि इमारतों को भी पल भर में ही चकनाचूर कर देगा। पर ये तो बस एक न्यूक्लियर बॉम्ब से होने वाली तबाही का ट्रेलर है। पर अगर दोनों देशों ने मिलाकर 300 बॉम्ब फोड़ डाले तो अब जरा कल्पना करने की कोशिश करो कि वो सीन कितना भयानक होगा। और इस दोनों भी देश के बीच होने वाली लड़ाई से तबाही के खौफ में सिर्फ हम नहीं बल्कि बहुत सारे देश हैं। इसीलिए यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर ने रिसर्च भी कर लिया है और उस रिसर्च के अनुसार मान लो कि अगर भारत ने 100 परमाणु बम फोड़े और पाकिस्तान ने 150 फोड़े तो ऐसे खतरनाक ब्लास्ट होंगे कि 2 करोड़ लोग मिनिमम पर लोग सिधार जाएंगे और बॉम्ब से जो आग फैलेगी वो दूसरे 5 करोड़ से 13 करोड़ लोगों को चुटकियों में राख बना देगी। और अगर दोनों भी देशों ने मिलकर इससे भी ज्यादा बॉम्ब्स फोड़े तो जाहिर सी बात है मरने वाले की संख्या इससे भी दुगुनी हो जाएगी। और ऐसा मैं नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर के एक रिसर्च ने कहा। पर चलो मान लेते हैं कि तुम दुनिया की उस आधी पॉपुलेशन का हिस्सा हो जो थानोस की चुटकी से नहीं मरे, यानी अगर तुम इस खतरनाक परमाणु बॉम्ब ब्लास्ट से नहीं मरे तब भी तुम वातावरण में होने वाले बदलाव
से नहीं बच पाओगे, क्योंकि भारत पाकिस्तान परमाणु जंग की वजह से दुनिया के वातावरण में ऐसे बदलाव आएंगे जो आइस एज जैसी कंडीशंस को पैदा कर देगा। और वेल ऐसा इसीलिए क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान में परमाणु बॉम्ब्स फटने लगेंगे तो इसमें से पूरे 1500 से 3500 करोड़ किलोज का धुआं पैदा होगा, जो सिर्फ दो हफ्तों में अर्थ के पूरे एटमॉस्फेयर में कैंसर की तरह फैलने लगेगा और धीरे धीरे पूरे दुनिया को अपने गिरफ्त में लेने लगेगा। बट ये धुआं कोई नॉर्मल आग लगने से निकले हुए धुएं जैसा बिल्कुल नहीं होगा। ये धुआं बना होगा ब्लैक कार्बन और रेडियो एक्टिव पार्टिकल से, और वो दोनों हवा में मौजूद सनलाइट से मिक्स होकर और भी गर्म हो जाएंगे, और गर्म होने की वजह से ये पार्टिकल्स और भी तेजी से फैलकर सीधा अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर लेयर तक पहुंच जाएंगे, और फिर ये धुआं वहीं पर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में घूमते रहेगा और जमीन पर नहीं गिरेगा, जिसके कारण नीचे पूरा बर्फीला मौसम ठंडा, क्योंकि ये लेयर अर्थ के सनलाइट को अंदर घुसने से रोकेगा और इस वजह से हीट अंदर अर्थ में नहीं आ पाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको आसान शब्द में बताता हूँ, अगर आप अपने रूम में एसी शुरू करके बैठते हो तो आप नोटिस करोगे कि फर्श सबसे ज्यादा और जल्दी ठंडी हो जाती है, और वो इसीलिए क्योंकि ठंडी हवा हैवी होती है और वो नीचे ही सेटल हो जाती है। और बिल्कुल उसी तरह बॉम्ब ब्लास्ट से निकला हुआ सारा गर्म धुआं ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में ही सेटल हो जाएगा, और उस धुआं के थिक कवर के कारण सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसके कारण दुनिया भर में एवरेज तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा, और अर्थ का नॉर्थ वेस्ट रीजन तो पूरा बर्फ में ही जम जाएगा। लेकिन क्या यह धुआं कभी भी पृथ्वी के ऊपर से हटेगा नहीं? Well, इसे पूरी तरह क्लियर होने में लगभग 10 साल, और तब तक आइस एज जैसी कंडीशंस में जिंदा रह पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमारे पूर्वजों का एग्जांपल ले लो, वो पिछले 2 आइस एज सर्वाइव कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त आइस एज एकदम से नहीं आया था, वो धीरे धीरे तब्दील हुआ था, और उसी के वजह से धीरे धीरे हमारे पूर्वज भी उस हिसाब से इवॉल्व हो पाए। बट अगर एकदम से आइस एज आ जाता है तो सीधी सी बात है कि पृथ्वी के मोस्ट ऑफ दी प्राणी उस तरीके से इवॉल्व नहीं हो पाएंगे और पृथ्वी के फूड चेन्स और इकोसिस्टम पर मैसिव डिजास्टर्स होने लगेंगे। अब हम इंसान तो झोल झपाटा करके 10 साल कैसे भी करके निकाल लेंगे, फिर भी हम नॉर्मली कभी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि जब न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा तो आधे से ज्यादा साउथ एशिया के ऊपर का ओजोन लेयर फटकर उसमें एक बड़ा सा होल हो जाएगा, और इसी के कारण जब स्ट्रेटोस्फीयर से धुआं क्लियर होगा तो इस ओजोन लेयर के होल से सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज बिना फिल्टर हुए जमीन पर आ गिरेगी, जो कि हमारे स्किन को जलाकर पिघला देगी, और साथ ही इससे हमें एक स्किन कैंसर जैसी अन्य बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब धुआं हटने के बाद बारिश तो होगी, पर दुनिया भर में रेनफॉल का प्रेसिपिटेशन परसेंटेज 15 से 30% तक कम हो जाएगा, यानी बारिश के गिरने के चांसेस 30% से कम हो जाएंगे, और इंडिया में तो मान लो नियरली 0% हो जाएगा। और जो भी बारिश जहां पर भी होगी वो भी हवा में मौजूद रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के साथ मिक्स होकर एसिड रेन में, पर ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो बड़ी आसानी से हमारे लंग्स में घुसकर हमें अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों का शिकार बना सकते हैं। पर ये तो हमारी बात हुई, अगर ये एसिड रेन धरती पर पड़ेगी तो सारी जमीन पूरे 70 सालों तक बंजर हो जाएगी, क्योंकि एसिड रेन्स मिट्टी में मौजूद जो पेड़ पौधों को उगने के लिए जरूरी है वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब जिस पृथ्वी पर ना सूरज की किरणें बराबर जमीन पर पहुंच पाएगी, ना ही बारिश का कोई ठिकाना होगा, तो कुछ उगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा, और इसी वजह से पूरा इकोसिस्टम फूड चेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, धीरे धीरे फूड शॉर्टेज होने लगेगी और करीबन 200 करोड़ लोग 200 करोड़ तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और वहीं पर एस्टीमेट्स के अनुसार अगर ये जंग में सारे ही परमाणु बॉम्ब इस्तेमाल हुए तो समझ लो फिर तो 90% दुनिया की आबादी भूखमरी के कारण मर जाएगी, यानी कि जंग में जीतने वाला जीत कर भी बेसिकली हार जाएगा बुरी तरह। बट क्या आपको लगता है भारत और पाकिस्तान में से कोई भी देश जीत के काबिल बचेगा इसके बाद? Well, शॉर्ट टर्म में maybe वो अपनी जीत को सेलिब्रेट कर ले, बट लॉन्ग रन में नहीं। परमाणु जंग में सिर्फ उसी देश के टिकने के ज्यादा चांसेस होते हैं जिसके पास परमाणु बॉम्ब को रोकने के भी हथियार और ऐसा ही सुरक्षा कवच भारत के पास है, पर पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी कवच। मैं बात कर रहा हूँ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में, जिसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। यूएस, रशिया और इसराइल के बाद भारत दुनिया का चौथा सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि पाकिस्तान से आने वाले आधे से ज्यादा परमाणु बॉम्ब्स को तो हवा में ही मार गिराएगा। और गर्व की बात तो यह है फ्रेंड्स कि हमारे पास ऐसे दो सिस्टम्स मौजूद है, एक है पैड जो है पृथ्वी एयर डिफेंस, और दूसरा है एएडी जो है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, जिनकी रेंज 2000 से 5000 किलोमीटर तक। इसके अलावा भारत ने रशिया से डिफेंस सिस्टम भी, और हमारा ब्रह्मोस तो है ही, जो एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो जमीन, हवा या पानी कहीं
कहीं पर भी लॉन्च किया जा सकता है। और अगर इसके ताकत की बात करें तो ऐसा कोई भी पाकिस्तानी शहर नहीं है जो उसके निशाने पे नहीं आ सके। और इस वजह से फ्रेंड्स ये तो मोस्ट प्रोबेबल है कि भारत कभी पाकिस्तान के साथ अगर जंग पर गया तो पाकिस्तान तो दुनिया के नक्शे से गायब हो ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जंग के बाद भारत की भी बहुत ही खराब हालत होने वाली है। बट फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इस दुनिया के ये बात को जानते हैं कि परमाणु बॉम्ब्स यूज करना स्टुपिडिटी, जीते चाहे जो भी देश हारेगी पूरी बिल्कुल। और इसी वजह से यूएन ने भी इसे बैन करके रखा है। और भारत जैसे आप जानते हो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करता है, जिसके चलते भारत कभी भी पहला परमाणु बॉम्ब से अटैक नहीं करेगा। और आज हम सभी ने ये जान भी लिया कि किस तरीके से कितना बर्बादी है, बहुत ज्यादा तबाही हो गई। लेकिन फ्रेंड्स आज भी इस दुनिया में कुछ ऐसे रोग देश है जो नए नए परमाणु हथियार और मिसाइल्स बनाते जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया। आपको क्या लगता है कि खुद की सुरक्षा के लिए इतने खतरनाक हथियार बनाना किसी देश के लिए जायज है, या फिर सभी देशों को मिलकर ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि परमाणु हथियार बनाना और टेस्ट करना भी इलीगल है, ना कि उसे वॉर में यूज करना सिर्फ। आई मीन हमें अच्छी तरीके से पता है कि कीमत तो पूरी दुनिया को चुकानी पड़ती है, तो हम किस बात के लिए रुके हैं। सो आपकी क्या राय है इस पर फ्रेंड्स, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना मेरे साथ। और अगर इस वीडियो तो यहीं पर ये वीडियो खत्म हो गया, आप लोग प्लीज बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये वीडियो बहुत ही शॉकिंग है, जैसा बताया कि अगर परमाणु बम युद्ध हो गया तो दोनों ही कंट्री में तबाही तो बहुत ही बुरी होगी। मतलब एक बम बहुत ही होता है भाई, और जिसके पास 150-200 दोनों कंट्री के पास मिला के 300 से ऊपर हो जाएंगे, तो दोनों कंट्री के पूरी दुनिया, जैसे इससे पता चला कि पूरी दुनिया सफ़र करेगी इस चीज़ पर, 90% आबादी भुखमरी से खत्म हो जाएगी। वो बहुत ही ज्यादा ये चीजें हैं जो वैसे भी सबने देख ही लिया है कि परमाणु बम से होता क्या है। जापान में जो हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था वहाँ पे तो आज भी लोग वो बच्चे वैसे ही पोलियो वाले टाइप से कुछ वहाँ पे अभी भी हो रहे हैं, जबकि जापान इतनी टेक्नोलॉजी में आगे है सब चीज में, लेकिन अभी इसको उसने भी सोल्यूशन नहीं निकाल पाया। जबकि तब तो बम भी इतने मतलब एडवांस सिस्टम के नहीं होते थे जैसे आज के होते हैं। आज के तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस बम है, तो अब तो बहुत ज़्यादा खतरा है। जैसे वहाँ पे सिर्फ दो ही बम गिरे थे तो वो हाल हो गया था पूरा जापान का, और जैसे यहाँ पे 300 अगर दोनों मिल गए तो पूरी दुनिया जैसे बताया कि सफ़र करेगी, तो ये बात सच है। आई से जाएगा मतलब दो कंट्री की जगह में पूरी दुनिया झेल जाएगी, इससे पता चल गया। वैसे है भी भाई परमाणु बम बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है यार। मैं तो चाहता हूँ किसी भी कंट्री में ऐसा युद्ध वुद्ध ना हो, क्योंकि अमन और शांति रहे सभी तरफ, क्योंकि लोगों जितनी भी आम जनता उसको तो भाई किस शांति से जीना है, बस अपना काम धंधा फिर जितना है आराम से जिंदगी अपनी काटनी है। और जैसे बताया कि उधर के पास डिफेंस सिस्टम नहीं है, मतलब ये शॉकिंग था यार कि चाइना के पास भी डिफेंस सिस्टम नहीं, इंडिया फोर्थ नंबर पर है, यूएस या इसराइल के बाद फोर्थ नंबर पर जो डिफेंस सिस्टम जिसका बहुत अच्छा है, चाइना का भी नहीं है, इसका मतलब चाइना के पास भी डिफेंस सिस्टम अच्छा नहीं है। जो जीत भी जाएगा जो भी देश, वो जीत के भी हार ही जाएगा, क्योंकि उसके बाद वो उस कंट्री के तो हालात इतने बुरे हो जाएंगे कि कुछ करने के लायक नहीं रहेगा। ऐसी ड्रेन जैसे होगी, बताया कि ऐसी ड्रेन होगी तो ना खेती हो पाएगी ना कुछ, ऊपर से ICH अलग से ही, तो और ICH को हटने के लिए 10-12 साल लग जाएंगे। और जैसे बताया कि ऐसी ड्रेन जब होगी तो जमीन में सब बंजर हो जाएगी सब जमीन, उसे ख़त्म होने के लिए 70 साल से भी ज़्यादा, मतलब कोई कंट्री जीत के भी हार ही जाएगी, क्योंकि वो फिर उसके बाद जीने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि खेती नहीं होगी सब कुछ नहीं होगा, खाने पीने की चीज़ें नहीं होगी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और यही है भाई यार, अमन शांति रहे दोनों ही कंट्री तरफ, प्यार मोहब्बत से सब लोग रहें बस। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज़ बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।